हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैंडम गुरुजी चैनल पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैनल पे मैं फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियोस जो रहेंगे वो अपलोड करूंगा, और इसका जो चैप्टर का जो लेवल जो रहेगा, आप बाकी जो वीडियोस देखते हो यूट्यूब से उससे काफ़ी डीप में रहेगा आपने, और काफ़ी डीप एनालिसिस रहेगा ये सब चैप्टर का। ठीक है, तो आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को तो मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा, और वेरियस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि आपका MHTCET हो गया, MHTCET के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, नीट का एग्जामिनेशन हो गया, आपका JEE मेन्स का हो गया, तो ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल। स्टार्ट करता हूँ सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना आपका, यहाँ पर हम पूरा डील करेंगे सॉलिड के साथ। ठीक है, और हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं तीन पार्ट में, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, एक होता है आपका गैस। ठीक है, ये छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैटर या फिर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। अब दोनों में देखो, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस को हम एक साथ ले लेते हैं, मतलब एक साथ इसको कंबाइन करके हम क्या बोल देंगे इसको, फ्लूइड। ठीक है, और फिजिक्स में आप फ्लूइड मैकेनिक्स करके चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसका मतलब यही होता है कि वो लिक्विड और गैस के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, और जो आपका सॉलिड जो है, सॉलिड सॉलिड में आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके पढ़ते होंगे, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये सब जो है, तो ये सब जो है आपका कहाँ पे लगता है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसको हम पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये होता है आपका रिजिड बॉडी। वहाँ पर देखो आप एक चीज़ हमेशा एज्यूम करके चलोगे कि जो हमारा बॉडी जो होता है वो रिजिड बॉडी होता है। अब कुछ लड़कों को ये डाउट आएगा कि सर ये रिजिड बॉडी का मतलब होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये आपका एक बॉडी है, तो इसके अंदर के अगर आप पार्टिकल्स को देखोगे तो एक यहाँ पे पार्टिकल समझ लो, एक यहाँ पार्टिकल समझ लो, एक यहाँ पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे हर जगह पे पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो किसी एक पार्टिकल को आपको एट ए टाइम पे देखना है, समझ में आ रहा। इसमें बहुत मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अंदर में रखे हुए, लेकिन जब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मैं किसी एक पार्टिकल को देखूंगा। ठीक है ना, तो समझ लो मैं ये वाले पार्टिकल को देख रहा हूँ, कौन से पार्टिकल को देख रहा हूँ, ये वाले पार्टिकल को, और समझ लो ये वाले पार्टिकल को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बताया आपको, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे तो हम किसी भी दो पार्टिकल को समझ लो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस समझ लो कितना है आपका, डी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, डी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो जब मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा तो इसका जो शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा आपका, देखो इस तरीके से हल्का सा डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना भी डिफॉर्म हो, कितना भी डिफॉर्म हो, आप जो दो ये पार्टिकल को देख रहे थे उसके बीच का डिस्टेंस अगर आपका सेम रहेगा तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसको कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी कुछ करो, ठीक है, अगर वो दो पार्टिकल के बीच का जो आपका डिस्टेंस जो है, दो पार्टिकल के बीच जिसको आप चेक कर रहे हो, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो अगर आपका सेम रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी। ऐसे बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी। अब आप प्रैक्टिकली खुद सोच सकते हो कि कोई भी बॉडी आपका रिजिड बॉडी होता ही नहीं है। ठीक है, कैसे होगा आप रिजिड बॉडी, आप मान लो ना, आप रिजिड बॉडी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत ही कम, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसे बॉडी रहेंगे जो आपके रिजिड बॉडी रहेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स तो नहीं रहता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप स्टडी करते हो, जब आप स्टडी करते हो तो हम क्या मानते हैं कि वो बॉडी कैसा है आपका, रिजिड बॉडी। और ये रिजिड बॉडी अगर आपका रहेगा तभी जाकर वहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और जो आप वेरियस चैप्टर पढ़ते हो, फ्रिक्शन ये सब जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में, उसके एप्लीकेशंस को आप लगा सकते हो। जैसे ही वो रिजिड बॉडी हट गया ना, जैसे ही आपका वो रिजिड बॉडी हट गया, उस पर वो सब फिर फंडामेंटल जो रहेगा कोई भी नहीं लगेगा आपका, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सब जो रहता है आपका किसके अंडर में आता है, आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कितना भी कुछ कर लो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर वो चेंज नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी। आप प्रैक्टिकली बात करो तो ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं जो रिजिड होते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स नहीं होता है, जैसे आपका लोहा पकड़ लो, लोहा कभी रिजिड हो ही नहीं सकता है, आप मारो उसको, शेप चेंज हो जाएगा ना उसका, शेप चेंज हो जाएगा। और दो पार्टिकल के बीच का अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे कहीं से भी तो आपको दिखेगा डिस्टेंस बड़ा हुआ ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सब रिजिड होता नहीं है। तो ये आपका बता दिया मैंने सॉलिड, समझ में ना, तो हम लेकिन हम एज्यूम करके चलेंगे कि रिजिड बॉडी वो होता है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो, और लिक्विड और गैस के लिए हम क्या बोलेंगे, ये फ्लूइड है, इसको आप डिटेल में पढ़ते हो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में। ठीक है, तो तीनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस लगभग समझा दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अभी तो आप दो चीज़ में इसको बांट के चलो, एक तो सॉलिड है और लिक्विड और गैस को हम एक साथ मान ले रहे, एक साथ ले रहे हैं फ्लूइड पे। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो फ्लूइड के बारे में आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बहुत लड़के ये बोल देते हैं कि सर फ्लूइड वो होता है जो बह जाता है। ठीक है, जैसे पानी बह रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको फ्लूइड है। जैसे ये गैस के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो बह रहा है आपका। ठीक है,
तो बहुत लड़के ऐसे बोल देते हैं कि सर कोई भी चीज़ अगर आपका फ्लो कर रहा है ना तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूड बोल देते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, बहुत सारे आदमी भी तो मोहमाया में बह जाते हैं, ठीक है, तो क्या आदमी भी फ्लूड है? नहीं, ये एक गलत डेफिनेशन है। बहुत लड़कों को फ्लूड का मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है, वो कुछ भी अपने हिसाब से बोल देते हैं कि ये फ्लो कर रहा है तो ये आपका फ्लूड हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है फ्लूड का। देखो, फ्लूड जो है एक आपका सब्सटेंस है डैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली। अब इसमें मैंने कुछ कुछ अंडरलाइन कर दिया है, ये वर्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। डैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल द टेंजेंशियल फोर्स इज। कोई भी आपको आज के बाद फ्लूड का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन बताना है उसको, ठीक है। अब ये होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। देखो, फ्लूड इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म्स होगा कंटिन्यूसली। डिफॉर्म होगा कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि आपने हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी एक आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके टेंजेंट पे आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। टेंजेंट मतलब सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे नीचे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको देखो नीचे वाले को। तो देखो, ये जो नीचे वाला जो है, देखो एक यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल मतलब ये प्लेट लगा के रखा है, इसको समझ लो आप, ये प्लेट है आपका, ये क्या है आपका, ये प्लेट है, ऊपर में भी प्लेट है और उसके बीच में हमने क्या भर दिया, फ्लूड को भर दिया है, ठीक है, फ्लूड को भर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो प्लेट है ना, इसको पकड़ के हल्का सा खींच रहा हूँ सरफेस पे से। देखो, ये सरफेस पे से पकड़ के खींच रहा हूँ ना, ये सरफेस पे से, बीच में से कहीं भी फोर्स नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है, उसके सरफेस पे फोर्स लगाना है। कहाँ लगाना है, उसके सरफेस पे फोर्स लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो मैं उसके यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे ऐसा। आप बोलोगे सर मैं बीच में लगाऊंगा, तो बीच वाला फिर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है, उसका नाम कुछ और रहेगा, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या रहेगा, जो सरफेस पे लगता है आपका, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, जैसे देखो आप, जैसे ही आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, कौन सा फोर्स लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, होगा क्या फ्लूड में, क्या होता है, देखो जैसे आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे ना, तो क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, ये पहले कोई लाइन थी, ये पहले आपने किसी कलर से इस लाइन को मार्क करके रखा था, ये ए बी लाइन को। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि नीचे वाला पॉइंट समझ लो फिक्स है, ये वाला जो प्लेट है ये समझ लो आपका फिक्स प्लेट है, तो नीचे वाला तो हिलेगा नहीं, लेकिन आपने फोर्स लगाया है ऊपर वाले प्लेट को, तो ऊपर वाला प्लेट आपका हिलेगा, और जब ये हिलेगा तो जो आपके अंदर में जो फ्लूड जो थे उसको भी ये क्या करेगा, हल्का सा डिस्प्लेस कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद ऑब्जर्व करके देखो ना। ये आपने क्या किया है, दो प्लेट इस तरीके से रखा है, नीचे वाला प्लेट जो है ये आपका फिक्स्ड प्लेट है, ठीक है, और ऊपर में आपने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स को लगा दिया है, ऊपर में क्या किया आपने, एक टेंजेंशियल फोर्स को लगा दिया। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है कि आप ये जो प्लेट है इसको पकड़ के खींच रहे हो इस साइड में, ठीक है, ये जो प्लेट जो है इसको आप पकड़ के खींच रहे हो राइट साइड में। जैसे ही आप पकड़ के खींचोगे ना राइट साइड में, तो इसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। और जैसे ही ये लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी जो था पहले लाइन आपका फ्लूड में कहीं पे, वो क्या होगा, धीरे 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 आपका देखो ये इस तरीके से चेंज होता चले जाएगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए डैश, ठीक है। स्टार्टिंग में ये ए डैश पे जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये ए डबल डैश पे जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये ए ट्रिपल डैश पे जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये ए फोर डैश, ऐसा ऐसा आगे वो मतलब इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टेंजेंशियल फोर्स, और इसको हम बोलते हैं डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली। ये जो आपने एक बार टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया ना, तो जो आपका जो फ्लूड है ना, ये आपका हमेशा डिफॉर्म कंटिन्यूसली हो जाएगा। डिफॉर्म का मतलब है कि अपना वो पोजीशन हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है। डिफॉर्म कंटिन्यूसली का मतलब क्या है कि जो ये जो पार्टिकल जो है आपका, ये वाला जो ए पार्टिकल जो है, यहाँ पे जो पार्टिकल था आपका, वो क्या करेगा, अब वो मतलब टाइम के साथ वो अपना पोजीशन हमेशा चेंज करते रहेगा, ठीक है। ये जो आपका ए वाला जो पार्टिकल था यहाँ पे ना, ये आपका क्या करेगा, टाइम के साथ हमेशा पोजीशन को अब चेंज करता रहेगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफॉर्म कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा, देखो इसके बाद, नो मैटर हाउ स्मॉल द टेंजेंशियल फोर्स इज, ठीक है, कितना भी छोटा टेंजेंशियल फोर्स रहेगा वो क्या करेगा, उसको पकड़ के खींचता चले जाएगा। जैसे आप गैस की बात करो, तो गैस ये फ्लो कर रहा है ना, ये फ्लो इसीलिए कर रहा है आपका क्योंकि यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा अमाउंट में रहता है लेकिन वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपका वाटर है, किसी सरफेस पर रख दोगे तो आप हल्का सा उसको टच करोगे ना, वाटर जो रहेगा ड्रॉपलेट, उसको आप हल्का सा फोर्स लगाओगे आगे के साइड में, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आगे की तरफ वो फ्लो करना स्टार्ट कर गया है, ठीक है। और जो फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, डिफॉर्म कंटिन्यूसली कर रहा है वो, आया समझ में? तो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है आपका। तो ये फ्लूड का डेफिनेशन हो गया आपका, फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल द टेंजेंशियल फोर्स इज। तो कितना भी छोटा टेंजेंशियल फोर्स रहे वो हमें देखना नहीं है, बस वो आपका डिफॉर्म करेगा कंटिन्यूसली। तो ऐसे ही फोर्स को हम मतलब ये जो पार्टिकल रहेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूड, ठीक है। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड और गैस ये दोनों को क्लब करके चलेंगे एक में, जिसको हम बोल देंगे फ्लूड, ठीक है। और जो आपका सॉलिड जो रहेगा, ये तो आपका रिजिड बॉडी की तरह से हम इसको लेके चलते हैं।
समझ में ना। अब देखो मैं आपको सॉलिड में भी आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो ये आपका सॉलिड है तो इसके दो सरफेस है, ये एक आपका बी डी वाला सरफेस है जो जिसको मैंने नीचे बना के रखा है, और ये आपका सॉलिड है जिसका मैंने ये ए और सी वाला सरफेस बना के रखा है, ठीक है। इस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, इस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, तो सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस फोर्स को उस मतलब ये जो फोर्स लगाऊंगा ना, तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हल्का सा मैंने फोर्स लगाया समझ लो, तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा नहीं आएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है, देखो नीचे वाला फिक्स्ड है आपका, ये जो नीचे वाला जो है बी डी वाला जो सरफेस है ना, ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैं ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाया हूँ, तो अब चेंज कौन सा होगा आपका, ऊपर वाला सरफेस चेंज होगा। तो ऊपर वाले सरफेस पे देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ए मान रहा हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसको सी मान रहा हूँ, तो नीचे वाला तो चेंज होगा नहीं, तो उसको देखना नहीं है। अब ऊपर वाले में मैं ए और सी मान के रखा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप कितना भी फोर्स लगा लो, ये जो पॉइंट रहेगा ना ये यहाँ से हिलेगा नहीं, और ये जो सी वाला जो पॉइंट है ये भी यहाँ से हिलेगा नहीं। समझा क्या बोला, ये आपका दोनों जो पॉइंट है ए और सी जो पॉइंट है, ये आपका यहाँ से हिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फोर्स कम लगा रहे हो, और जब फोर्स कम लगा रहे हो तो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस फोर्स को स्टार्टिंग में क्या करता है डिफॉर्म होने नहीं देता है। यही होता है आपका सॉलिड की प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लूड के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, आपने फोर्स लगाया हल्का सा भी, वो वहीं से उसका डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सॉलिड क्या करता है, डिफॉर्म होने नहीं देता है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो फ्लूड में जो डिफॉर्मेशन होता है ना, ये होता है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक बार जो बॉडी अपने पोजीशन से हिल गया तो वो दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे देखो आपने स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स, तो ये पॉइंट कहाँ पे था, ए पे था, ठीक है। अब आपने फोर्स लगाया तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये कहाँ चला गया, ए डैश चला गया। अब समझ लो आपने टेंजेंशियल फोर्स को हटा दिया, टेंजेंशियल फोर्स को हटा दिया, तो टेंजेंशियल फोर्स को आप जैसे ही हटाओगे तो ये ए डैश अब ए पे नहीं जाने वाला है, ए पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। और वो नहीं जाएगा ना, वैसे ही डिफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा, वो जो ए डैश वाला जो पार्टिकल है अब वो दोबारा से आपका ए पोजीशन पे नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा ऐसे ही डिफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब बोलोगे सर दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सॉलिड जो है ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन करवाता है। तो एक दो मैं आपको डिफरेंस भी बताते चल जा रहा हूँ, ये कौन सा डिफॉर्मेशन करवाता है आपका, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप, मैंने ये फोर्स लगाया तो देखो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया मैं, मतलब अब ठान लिया हो कि कुछ ना कुछ करना ही है, तो मैं क्या करूँगा, इस फोर्स को लगाते चले जाऊँगा। तो देखो पहले जो था ना आपका सरफेस वो इस तरीके से था, नीचे का जो अगर आप सरफेस की बात करोगे, नीचे का सरफेस, तो देखो नीचे का सरफेस तो हिलने वाला नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से था। और ऊपर वाले की अगर आप बात करोगे, तो मैं यहाँ पे रेड पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो ऊपर वाला जो था ना आपका वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से था आपका, पहले ऑब्जेक्ट कैसा था आपका, इस तरीके से था। लेकिन अब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया ऊपर वाले सरफेस से, तो क्या होगा, ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट था आपका ए डैश, ए और सी था पहले आपका, ठीक है। तो ए और सी जो था ना ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो देखो ये नया पोजीशन पर चले जाएगा जिसको मैं दिखा रहा हूँ ए डैश से, और ये सी वाला जो पोजीशन है इसको मैं दिखा रहा हूँ सी डैश से, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल जो रहेगा उसको मैं यहाँ पे एंगल के थ्रू दिखा रहा हूँ, अल्फा एंगल से। समझ में आया ना, आपने क्या किया था, ये जो ए सी वाला जो सरफेस था इस पर आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे थे, स्टार्टिंग में सॉलिड ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस फोर्स को जो फोर्स लग रहा था उस पर उसको डिफॉर्म होने नहीं दिया उसने सॉलिड ऑब्जेक्ट ने। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स को लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी आपका डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफॉर्म का मतलब क्या है, अपने पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब नीचे वाला तो पोजीशन अपना चेंज कर नहीं सकता है, क्योंकि नीचे वाला जो है आपका कैसा है, नीचे वाला जो पोजीशन है वो कैसा है आपका, फिक्स्ड है, तो नीचे वाला तो चेंज करेगा नहीं, तो चेंज कौन करेगा आपका, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला जब चेंज करेगा तो ए से क्या दिखेगा, ए डैश, सी से क्या बन जाएगा, वो सी डैश। समझ में ना, अब इसके बीच का जो एंगल है बी और ए के बीच में, इसको मैं दिखा रहा हूँ अल्फा से, ठीक है। तो ये अल्फा आपका डिफॉर्मेशन एंगल है, अल्फा क्या आपका डिफॉर्मेशन एंगल है, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी आपका डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप एक चीज़ को चेक कर सकते हो कि ये आपका रिजिड बॉडी है। जैसे देखो आप पहले ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखो आप, अभी आप ए और ए डैश और सी डैश के बीच का डिस्टेंस देखो आप, ठीक है। तो ये बॉडी कैसा रहेगा आपका, रिजिड बॉडी रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सॉलिड जो होता है ये इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन जो होता है ये कैसा डिफॉर्मेशन होता है आपका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये फोर्स जितना आपने लगाया है उसको लगाने के बाद अगर आप छोड़ दोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप जो था, ये वाला जो शेप था जो मैं आपको ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ, इसमें वो दोबारा से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन।
और सॉलिड बॉडी जो होता है ये मैक्स टू मैक्स आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करता है। कैसे डिफॉर्मेशन को शो करता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है हमें दोनों में कि सॉलिड बॉडी और जो आपका फ्लूइड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों में क्या है कि अगर आप फोर्स को इंक्रीज करोगे, फोर्स इंक्रीज करोगे या फिर आप फोर्स को लगाओगे तो उसका अल्फा जो एंगल है, अल्फा एंगल जो है डिफॉर्मेशन एंगल, ये आपका चेंज करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सॉलिड बॉडी में क्या है, जब तक आप फोर्स को इंक्रीज करोगे ना तब तक आपका ये डिफॉर्मेशन एंगल जो है ये इंक्रीज करता रहता है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर भी सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो ये इसका नया पोजीशन बन गया। अब इसके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। अब मैं यहाँ पे आप फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स मैंने अब लगाना छोड़ दिया है, तो ये बॉडी जो रहेगा ना अभी आपका ये पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। और मैंने मतलब पूरा ही फोर्स यहाँ पे लगाने के बाद छोड़ दिया तो फिर ये आपका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे देखो आप, पहले यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या किया इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया? 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब 10 न्यूटन फोर्स को मैं पकड़ के रखा हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। 10 न्यूटन फोर्स लगाया, अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे छोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना वो एंगल बना के रखा है उतना ही एंगल वो बना के रखेगा, ठीक है। अब ये 10 न्यूटन को मैं जब 0 न्यूटन कर दूंगा, कितना न्यूटन कर दूंगा? 0 न्यूटन, मतलब पूरा ही फोर्स मैंने हटा दिया है, पूरा ही फोर्स मैंने हटा दिया है। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो ब्लैक पेन से जो था, वो अब फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेड पेन से। तो ऐसे ही बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझा कुछ क्या बोला? 10 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर आप छोड़ दोगे तो ये अल्फा आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन समझ लो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, तो ये अल्फा जो रहेगा ये भी आपका उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आपने कोई एक फोर्स लेके उसको रोक दिया तो इसका डिफॉर्मेशन आपका वहीं पे फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और पूरा ही जब ये फोर्स अगर आप हटा दोगे तो फिर ये जो बॉडी रहेगा फिर से वो आपका ओरिजिनल शेप ऑक्यूपाई कर लेगा जो आपका 0 न्यूटन पे था, ठीक है। अब यही चीज़ आपका फ्लूइड में नहीं होता है। फ्लूइड में देखो क्या होता है, फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ पे समझ लो एक भी फोर्स नहीं है। आपने समझ लो कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे देखो मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अल्फा जो रहेगा वो तो इंक्रीज करेगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन वो टाइम से डिपेंडेंट हो जाता है। वो किसे डिपेंडेंट हो जाता है? टाइम से। वहाँ पे देखो टाइम से डिपेंडेंट नहीं था, सॉलिड वाले ऑब्जेक्ट में वो टाइम से डिपेंडेंट नहीं था। मतलब आप टाइम मतलब आप वहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स ले जाकर रोक दो, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स ले जाकर रोक भी दिया तो उसके बाद भी उसका डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू कम होगी या फिर आपकी इंक्रीज करेगी, वैसे इंक्रीज ही होती है, ठीक है, डिक्रीज होती नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्फा वहाँ पर स्टॉप हो गया था जब आपने फोर्स को लगाना स्टॉप कर दिया था, यहाँ पर ये स्टॉप होगा नहीं, अभी भी इसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है बहुत अच्छी तरह से, कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा कंटिन्यूसली का मतलब क्या है कि उसका डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होते रहेगा। अगर आप एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद उस फोर्स को हटा दोगे तो भी उसका डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ और इसमें डिफरेंस बता देता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरीके से उसमें डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे, ठीक है, तो अगर आप सॉलिड की बात करो, जैसे आप अपने मोबाइल फोन से अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मोबाइल का क्या है, आपका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, और वो सॉलिड है, आप उसको छू के ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सॉलिड है तो सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो डेफिनेट रहेगा। इसका वॉल्यूम जो रहेगा कैसा रहेगा? आपका डेफिनेट रहेगा, ठीक है। आपको किसी ने बोल दिया कि मोबाइल का वॉल्यूम बता दो, आप बता दोगे, इसको बोला जाता है डेफिनाइट, ठीक है। एक प्रॉपर आंसर आप दे सकते हो, डेफिनाइट आप आंसर दे सकते हो उस वॉल्यूम का, उसको हम क्या बोल देते हैं डेफिनाइट। लिक्विड में क्या होता है, जैसे देखो आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या डाल दिया आपने? वाटर डाल दिया। कोई बोलेगा आप ये जो लिक्विड मैंने डाला है, वाटर जो डाला है, इसका आप वॉल्यूम बता दो, आप क्या करोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? ये कंटेनर जो आपने रखा है ना, इसके आप डायमेंशन से निकाल लोगे, इसका लेंथ आपको पता है, इसका हाइट पता है, इसका ब्रेथ पता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हो, इसलिए इसको भी हम क्या बोल देते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी आप वैल्यू इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोल देंगे, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन अगर आप गैस की बात करोगे तो गैस का वॉल्यूम इनडेफिनेट हो जाता है। क्यों इनडेफिनेट हो जाता है? जैसे देखो मैंने क्या किया, अभी जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने घर पे बैठ के, ठीक है, तो आपके रूम में गैस तो होगा ही, मतलब ऑक्सीजन जो आप गैस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अब आप उस रूम में बैठे हो, अब क्या कोई बोलेगा कि ये गैस का वॉल्यूम निकाल कर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो गैस है पूरे रूम में फैला हुआ है, तो आप किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, इस रूम का कैलकुलेट कर लोगे वॉल्यूम, ठीक है। कहीं से समझ लो आपका दरवाजा खुला हुआ है तो ये गैस आपका ट्रैवल कर जाएगा किसी दूसरे रूम में, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी चले जाएगा ना आपका। फिर कोई बोलेगा आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो प्रॉपर तरीके से आप अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो दोनों का लेना पड़ेगा आपको,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब आप इजीली तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा एक प्रॉपर डेटा लेके चलना पड़ेगा कि किस तरीके से है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है ना, आप जिस स्पेस में रखोगे उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं इसको, कि आपका इनडेफिनाइट वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसा होता है आपका, इनडेफिनाइट, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितना मतलब एक लार्ज अमाउंट में चले जाता है ये सब, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनडेफिनाइट। और डेफिनाइट का मतलब क्या रहेगा, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और जो शेप जो रहेगा, अगर आप शेप की बात करो तो मेन प्रॉब्लम जो आता है शेप पे ही आता है, ठीक है। जैसे आप जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका शेप आपका फिक्स रहेगा, जैसे ये है आपका, देखो ये शेप, ठीक है। जैसे आप बॉल ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, इसका एक शेप है। तो इसका तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो रहता है उसका शेप जो रहता है कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। लिक्विड में क्या रहेगा, लिक्विड में क्या रहेगा, वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा कंटेनर का ही, ठीक है ना। जैसे आपने देखो पानी, पानी आपने क्या किया, पहले आपने इसमें रखा, पहले आपने क्या रखा, एक क्या बोलते हैं मग में लेके रखा है। तो अब उसका जो वॉल्यूम है कैसा है, वो पूरे मग का वॉल्यूम है। अगर आपने आप गिलास में डाल दिया तो अब वो किसका वॉल्यूम हो चुका है, अब आप किसका वॉल्यूम लोगे, गैस का मतलब गिलास का वॉल्यूम लोगे ना, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, ये शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रखोगे वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है आपका लिक्विड, ठीक है। अगर आप ग्लास में रखोगे तो आप, आपको कोई बोलेगा कि अभी इसका वॉल्यूम निकालो, तो आप ग्लास का वॉल्यूम निकाल लेते हो, ठीक है, हाइट मेजर करके। अगर आपने मग में रखा है तो मग का वॉल्यूम, बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का वॉल्यूम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वाटर तो सेम है लेकिन उसको अगर आप अलग अलग चीज़ों में रख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, शेप ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आया, गैस का भी वैसे ही है। अभी मैंने बताया रूम का एग्जांपल लिया था आपका, ठीक है, रूम में डाल दिया, पूरे रूम में फैल गया आपका, तो इसका भी क्या जाएगा, शेप ऑफ कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरपार्टिकल फोर्सेस। इंटरपार्टिकल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे देखो आप अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड बना हुआ तो है लेकिन ये कैसे बना हुआ है आपका, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर में जो पार्टिकल्स जो रहेंगे ना, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इस तरीके से रहते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और हर एक चीज़ आपका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ही बना हुआ रहता है। उसके अंदर में अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करोगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इंटर पार्टिकल फोर्सेज की बात करोगे तो सॉलिड जो होता है ना, इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इंटर पार्टिकल का मतलब होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। जहाँ पर भी वर्ड आ जाएगा ना इंटर, इंटर का मतलब होता है दो पार्टिकल के बीच का या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्सेज, ठीक है। तो ये जो देखो, ये समझ लो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये समझ लो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। ये जितना ज़्यादा आपस में क्लोज रहेंगे, जैसे मैंने एक और बीच में लगा दिया, जितना ज़्यादा ये क्लोज रहेंगे वो पार्टिकल क्या, वो जो आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, जितना वो पार्टिकल क्लोज रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो क्लोज रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पास में आया है ना, ये पास में आया है, ये पास में तभी आता है जब इसके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आ रहा, जैसे ये आपका एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इतने दूर पे है, ये पास में कब आएंगे, ये कब आएंगे, जब इनके बीच में कोई ना कोई एक बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। और वो बॉन्डिंग अगर आपकी स्ट्रांग बन रही है तब जाकर उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेस या फिर स्ट्रांग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो सॉलिड में ये जो होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। कोई भी आप सॉलिड को लोगे, उसको अगर आप प्रेस करोगे या फिर दबाओगे उसको, तो आप देखना उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। ये जो अगर आपने यहाँ पे समझ लो आप फोर्स लगाओगे, सॉलिड है अगर ये, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा आपका। क्यों मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कर देता है उस फोर्स को, वो मतलब कुछ होने नहीं देगा, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन लाता ही नहीं है, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। वही अगर आप लिक्विड की बात करोगे, लिक्विड की बात करोगे तो जैसे आपका पानी है, पानी आपने एक सरफेस पर रखा, हल्का सा भी उस पर फोर्स लगा दिया तो देखना वो अपना शेप चेंज कर लेगा। जैसे देखो ये इस तरीके से था आपका, यहाँ पे समझ लो आपने वाटर रखा है, अब मैं क्या किया यहाँ पे ऊपर से ना एक मतलब हम क्या करते हैं इस तरीके से प्रेस करते रहते हैं ना इस वाटर को, ऐसे मस्ती मस्ती प्रेस करते रहते हैं, देख तो आप इसको देखोगे ना तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर जो होता है ना इसके बीच अंदर में जो फोर्सेज जो होते हैं इसके, क्योंकि ये जो वाटर है इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है वो स्ट्रांग होता नहीं है। आप जैसे ही इस पर फोर्स लगाओगे ये क्या करेगा, अपने शेप को डिफॉर्म कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस की बात करें या फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल जो होते हैं ये आपने देखा भी होगा बहुत दूर दूर रहते हैं ये, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी गैस को इस रूम में रखोगे तो ये पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप खुद सोच के देखो ना उसके पार्टिकल जो रहेंगे वो कितने दूर दूर रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ही वीक रहता है, आप जो गैस जो होता है इसका इंटर पार्टिकल फोर्सेस या फिर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। कैसा रहता है आपका, बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। अब नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब आप इसको खुद से सोच के बता सकते हो कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो रहेगा
वो लिक्विड में काफ़ी ज़्यादा, लिक्विड में ना के बराबर रहेगा, क्योंकि लिक्विड में क्या, सॉरी सॉलिड में आपका ना के बराबर रहेगा। सॉलिड में ना के बराबर क्यों रहेगा, क्योंकि सॉलिड में देखो ये जो पार्टिकल जो है ना वो इस तरीके से अलाइंड है, इस तरीके से एक दूसरे से एकदम चिपक चिपक के है, एक दूसरे से एकदम चिपक चिपक के है। तो मोशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये वाले पार्टिकल को वन बोल रहा हूँ, तो ये पार्टिकल को मुझे मूवमेंट करवाना है। तो जब ये पार्टिकल बाकी सब पार्टिकल से ऐसे चिपक चिपक के है, चिपक चिपक के है, तो इसका मोशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो सॉलिड में जो है पार्टिकल का मोशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। वही अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो ये जो पार्टिकल जो होता है ना इसमें थोड़ा सा दूर स्पेस होता है, इस तरीके से पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है देखो ये इतना स्पेस में अभी घूम सकता है, ये जो वाला जो स्पेस खाली है, इतना स्पेस जो खाली है ये इसमें घूम सकता है। अगर हल्का सा भी आप अगर आप फोर्स लगाओगे यहाँ से तो क्या होगा, ये इतना दूर तो आपको घूम सकता है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मोशन ऑफ पार्टिकल इसका होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि इसके बीच का जितना डिस्टेंस रहेगा उतने में ये मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। वही अगर आप गैस की बात करो तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना के बराबर होता है। तो एक पार्टिकल समझ लो यहाँ पे, तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। और ये पार्टिकल का अब अगर आप मूवमेंट देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इतना दूर में ये घूम सकता है, आराम से मूवमेंट कर सकता है ना, यहाँ वाली इतने पार्टिकल्स मतलब इतना स्पेस में आराम से मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल जो रहेगा गैस का सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड में रहता है लेकिन वो बहुत कम रहता है, और सॉलिड में तो ना के बराबर रहता है, ठीक है। वो खुद से मोशन जो रहेगा पार्टिकल नहीं कर पाता है सॉलिड में, ठीक है। तो आज ये पहला क्लास था आपका, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करें, और जो भी डाउट रहेगा अपनी अपनी जो क्वेरीज रहेगी वो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दूर करूंगा या फिर मैं यूट्यूब पे ही आपको कमेंट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।